बड़े पर्दे से लेकर छोटे पर्दे पर राज करने के बाद एक बार फिर से आर्य की भूमिका अदा करने के लिए शिल्पा शेट्टी कुंद्रा इस वक्त हमारे साथ तैयार हैं। आपको आपका बहुत बहुत स्वागत है E24 पे। शुक्रिया शुक्रिया। शेप ऑफ यू, क्या कुछ इसमें आपको पसंद आया जिसके लिए आपने इसे हाँ कहा? फिटनेस और वेलनेस को लेकर मैं बहुत हमेशा से बहुत पैशनेट रही हूँ और एक और माध्यम मिला मुझे। मैं अपने ही टिप्स नहीं बल्कि जितने भी मेरे साथी हैं और सेलिब्रिटीज़ हैं फिल्म इंडस्ट्री से, म्यूज़िक इंडस्ट्री से, उनके उनके आइडियाज़ और उनको कैटलिस्ट बना के उनके प्रॉब्लम्स और उनके इश्यूज़ को लेकर के उन्होंने कैसे यू नो हाउ दे हैव पेव्ड द वे थ्रू देयर जर्नीज इन लाइफ एंड एम्बार्क्ड ऑन अ फिटनेस एंड वेलनेस जर्नी, इस शो के माध्यम से ये बताना आई फेल्ट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट केटर्स टू द मासेस। रेडियो एक कमाल का माध्यम है एंड नो बेटर यू नो नो बेटर चैनल देन फिल्मी मिर्ची। तो yeah. किस तरह का मतलब एक्सपीरियंस रहा आपका, आपने आरजी की इसमें भूमिका अदा की है चैट शो कैमरे के उस तरफ बैठ के सवाल पूछने का, किस तरह का आपका एक्सपीरियंस रहा? ये एक अलग किरदार था मेरे लिए और निभाते हुए मुझे काफ़ी मज़ा भी आया। बट आई हैव टू से कि इट वॉज़ नॉट न्यू फॉर मी क्योंकि आई फील मैं हमेशा हेल्थ और फिटनेस को लेके लोगों से सवाल करती ही हूँ या ज़्यादातर मुझसे सवाल करते ही हैं लोग। इस शो पे भी ऐसे ही आप देखेंगे कि मैं सवाल कर रही हूँ और वापस मुझसे सवाल भी कर रहे हैं मेरे गेस्ट। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट वे ऑफ काइंड ऑफ टेलिंग पीपल के यू नो वी आर ओनली ऑर्डिनरी। सेलिब्रिटीज़ को इस नज़रे से देखा जाता है कि हमारे लिए मतलब क्योंकि हम ग्लैमर इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं कि हमारे साथ कुछ गलत होता ही नहीं है, हमारे साथ यू नो हमारे इर्द गिर्द काफ़ी सारे लोग घूमते रहते हैं, वी हैव एन एंटोराज, तो हमारे लिए बहुत आसान होता होगा। हमारे लिए इनफैक्ट ऑन द कॉन्ट्ररी और मुश्किल है। सो इट्स जस्ट काइंड ऑफ थ्रो लाइट ऑन द फैक्ट दैट अगर हम कर सकते हैं, अगर हम इन प्रॉब्लम्स के साथ जूझ सकते हैं और अगर हम फिटनेस और वेलनेस को इतनी अहमियत दे सकते हैं डिस्पाइट आवर वर्क स्केड्यूल्स एंड इरेटिक स्केड्यूल्स, आप भी कर सकते हैं। अच्छा, इसमें अपार्ट फ्रॉम द चैट शो क्या हमें इसमें फिटनेस से रिलेटेड कुछ फन मस्ती भी देखने को मिलेगा? ऑफ कोर्स, वो आप देखेंगे। वी हैव आवर ओन लिटिल स्टूडियो व्हिच इज कॉल्ड फिट इज फैब और हम सेलिब्रिटीज से काफ़ी क्रेजी चीज़ें करवाते हैं। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैप्सूल है हमारे शो पे। तो बहुत मज़ा आया वो करते हुए। और प्रोनाउंसिएशन का एक गेम है जहाँ पे हम पूछते हैं आर्टिस्ट को या सेलिब्रिटी को कि आप इसे प्रोनाउंस करके बताइए हमें। हम कभी कभी ऑर्डर करते हैं ना डिशेस, या हम जब ट्रैवल करते हैं ग्रीस में अगर है तो कोई ग्रीक डिश को हम लोग ऑर्डर कर लेते हैं, हमको उसकी प्रोनाउंसिएशन आती नहीं लेकिन हमको खाना ज़रूर है। तो वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग बिट है हमारे एपिसोड्स में। सो या अच्छा, नॉर्मली अगर कहते हैं कि एक एक्टर अगर कोई किरदार निभाता है या फिर कुछ ऐसा करता है तो वो उससे कुछ ना कुछ लेकर जाता है, इसमें हमने बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ को आते देखा, आपने किसी से कुछ इसमें कुछ सीखा या फिर कुछ अगर बताना है? मैं हर दिन हर रोज़ हर वक्त हर घड़ी सीखती ही रहती हूँ, सीखने की चाह है मुझ में। लेकिन इस शो के थ्रू मैं इतना ज़रूर बता सकती हूँ कि लेना कम और देना ज़्यादा होगा। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देंगे हम इस शो के माध्यम से एंड आई जस्ट फील इट्स वेरी रिफ्रेशिंग क्योंकि ये पहला सेलिब्रिटी वेलनेस शो है एंड आई फील they've chosen the right person at the cost of sounding very immodest. So wellness या fitness की बात कहीं पर भी हो मुझे बहुत खुशी होती है क्योंकि इस दौर में आई फील वी मस्ट पे अटेंशन टू नॉट जस्ट द शेप ऑफ यू इन टर्म्स ऑफ फिजिकल हेल्थ बट ऑल्सो मेंटल हेल्थ। बिल्कुल। इसके अलावा बहुत सारे किरदार हमने देखे यहाँ पे सेट पे आते हुए, किसे आप चाहेंगे कि वो आए अब? बहुत सारे हैं, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ मुझे भी इंस्पायर करते हैं, लोगों को भी इंस्पायर करते हैं एंड मुझे ऐसा लगता है कि सभी बहुत फिट हैं क्योंकि फिटनेस इज़ बिकम अ वेरी इंटेग्रल एस्पेक्ट एनर्जी के लिए टू मेक श्योर कि यू नो कितना हाई प्रेशर जॉब है हमारा।
खाना खाने का वक्त नहीं मिलता कभी कभी, वी कांट इवन कीप ट्रैक ऑफ हाउ मच वाटर वी आर हैविंग इन अ डे. और फिटनेस के लिए ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं. सो आई गेट वेरी इंस्पायर्ड बाई पीपल हु आर कंसिस्टेंट, जो डिफ़िकल्ट स्केड्यूल्स के बावजूद अपने हेल्थ और फिटनेस पे इतना ध्यान देते हैं. सो आई वुड डेफिनेटली वांट टू स्पीक टू अमित जी, यू नो, बिकॉज इस उम्र में भी वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं, टच वुड, बहुत प्रेरित करते हैं मुझे. थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया. एंड हम सबको बहुत इंतज़ार है आपके इस शो का, टेलीकास्ट का. थैंक यू सो मच. थैंक यू. कैमरा पर्सन आनंदो के साथ नवीन सिंह भारद्वाज, E24 मुंबई.